प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश के दौर में छोटे बड़े बांधों के भरने का सिलसिला लगातार जारी है। दौसा जिले का मुरैल बांध 21 साल बाद एक बार फिर ओवरफ्लो हो गया। 30 फीट भराव की क्षमता वाला ये बांध शनिवार को लबालब हो गया था। बाद में इस बांध पर चादर चलना शुरू हो गई थी। वर्तमान में बांध पर करीब आधा फीट की चादर चल रही है। ये बांध दौसा और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर स्थित है। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से दौसा और सवाई माधोपुर के कई गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बांध को किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है। इस बांध से सैकड़ों गांव में सिंचाई के लिए पानी भी नहर के माध्यम से दिया जाता है। बांध पूरी तरह लबालब हो जाने से आसपास के क्षेत्र में लोगों में खुशी का माहौल है। साल 1981 में बाढ़ के दौरान ये बांध टूट गया था, जिसके बाद साल 1998 में ये बांध ओवरफ्लो हुआ था। इसके ठीक 21 साल बाद एक बार फिर ये बांध ओवरफ्लो हुआ है। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ लोगों का जमावड़ा भी लगने लगा है। लोग एंजॉय करने के लिए बांध पर पहुंच रहे हैं और जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। बांध के आसपास लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन भी सतर्क है। बांध पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां नहाने के लिए ना जा सके। न्यूज़ डेस्क।